हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम इन अकाउंटिंग एजुकेशन। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी कंपनी के सभी डाटे को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपने कंपनी को चूज़ करना है टैली में जाकर, उसका बैकअप हार्ड डिस्क के किसी भी ड्राइव में रखना है और उसको पेन ड्राइव से उसका डाटा लेके दूसरे कंप्यूटर में रख देना है। ये देख लीजिए, दो कंप्यूटर हैं, दिस इज़ वन कंप्यूटर एंड दिस इज़ टू कंप्यूटर। इसमें से मैं डाटा उठाकर अब इसमें लेके जाऊंगा। ओके प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जिस कंपनी का सारा डाटा दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है, उस कंपनी को आपने एक्टिवेट करना है कंपनी इन्फो में जाकर, और सिलेक्ट कर लें उस कंपनी को। सपोज मैंने ऑनलाइन कंपनी को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है। अब इसके आप बैकअप में जाइए और ये सिलेक्ट कीजिए ऑनलाइन कंपनी। ये डेस्टिनेशन आपने फिक्स करना है, कहाँ आपने रखना है। मैंने ई ड्राइव में रखना है तो इसको हम ई लिख सकते हैं। अब इसमें हमने चूज़ किया ऑनलाइन कंपनी। अब एंड ऑफ लिस्ट, इसका नंबर है 1000, उसके बाद है 4, इसको एक्सेप्ट कीजिए। अब आप अपने हार्ड ड्राइव में जाइए, हार्ड डिस्क में, और ई देखिए, दिस इज़ द फाइल TBK 900.001। अब इसको आपने सेंड कर देना है पेन ड्राइव में। अब आपने अपनी पेन ड्राइव ले लेनी है और दूसरे कंप्यूटर में डाल देनी है। अब दूसरे कंप्यूटर में जाकर आपने पेन ड्राइव को ओपन करना है। ये मैं दूसरे कंप्यूटर में गया, उसकी हार्ड डिस्क में है H पेन ड्राइव, ये, और वापस माई कंप्यूटर में आ जाइए। अब हम दूसरे कंप्यूटर की टैली को खोलेंगे। इसमें देखेंगे कि अभी हमारे पास दो ही कंपनी है, तीसरी ऑनलाइन कंपनी इसमें नहीं है, इसलिए स्टोर में जाइए आप, और हमारा पेन ड्राइव है यहाँ H, तो H लिख दीजिए। तो हमारे पेन ड्राइव में ऑनलाइन कंपनी शो होगी, उसको एक्सेप्ट कीजिए और इसको इस स्टोर को भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास तीन कंपनी हो गई हैं, जो कि तीसरी कंपनी है ऑनलाइन कंपनी तथा उसका डाटा वो हमने पहले कंप्यूटर से लिया था। ओके, धन्यवाद आपका। इस तरह हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में टैली का डाटा भेज सकते हैं। धन्यवाद।